इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि आज से कई सालों पहले इस दुनिया में सिर्फ पानी पानी था, लेकिन फिर वहाँ लॉर्ड गॉड्स तेवीती प्रकट हुई, जिन्होंने अपने हार्ट की शक्ति से पूरी दुनिया को जीवित कर दिया ताकि जीवन का आरंभ हो सके। लेकिन फिर कुछ लोगों के मन में लालच आ गया और उन्होंने सोचा कि अगर वो तेवीती का हार्ट स्टोन चुरा ले तो उनमें शक्ति आ जाएगी, मगर वो स्टोन लेने में नाकामयाब रहे। तभी उनमें से वायु और जल का एक सुपर देव मावी निकलता जो बहुत ताकतवर था, जो अपने जादुई हुक की मदद से रूप बदल सकता था। वो तेवीती के आइलैंड पर जाकर वहाँ से हार्ट निकाल लेता है, जिससे ओशियन में डार्कनेस फैलने लग जाती है। मावी वहाँ से भागने लग जाता है, तो उसे रोकने के लिए प्रति और अग्नि का राक्षस टेका वहाँ आया और लड़ाई में मावी का जादुई हुक और स्टोन पानी में गिरकर गुम हो गए। फिर हमें मोतुनुई नाम के ट्राइब को दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडमा ताला सभी बच्चों को ये स्टोरी सुना रही होती है और फिर वो बताती है कि तेवीती के पास हार्ड स्टोन ना होने की वजह से धीरे धीरे समुद्र में डार्कनेस फैलने लग गई है और वो सारी जिंदगियों को खत्म कर देगी। लेकिन एक दिन कोई मावी को ढूंढकर उस हार्ड स्टोन को तेवीती को लौटा देगा और हम सबको बचा लेगा। ताला जिन बच्चों को ये स्टोरी सुना रही होती है उसमें उसकी ग्रैंड डॉटर मोआना भी होती है। तभी इस कबीले के सरदार टुई अपनी बेटी मोआना को लेने आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ बाकी बच्चे मोस्टर की तस्वीरें देखकर रोने लग जाते हैं, जिससे मौका देख कर मोआना सी की तरफ जाने लगती है, क्योंकि उसे सी से बहुत प्यार होता है। और जब वो सी के करीब जाती है तो वो देखती है कि कुछ बड़े एक बेबी टर्टल को तंग कर रहे होते हैं, जिस पर वो शेल छोड़कर उसकी मदद करने जाती है और उसे पानी में ले जाती है। सी उसकी अच्छाई देखकर उसे शेल्स देता जाता है और साथ ही उसके लिए पानी में रास्ता भी बनाता जाता है और उसके साथ खेलते हुए उसे तेवीती का हार्ड स्टोन भी दे देता है, जिसे मोआना खुश हुए देख रही होती है। तो टुई उसे आवाज देता है, जिस पर ओशियन उसे वापस किनारे पर छोड़ देता है और मोहाना के हाथ से वो स्टोन भी सी में गिर जाता है। तभी वहाँ टुई आता है, तो वहाँ ओशियन उसे कुछ भी शो नहीं करता और टुई मोहाना को अपनी वाइफ सीना के पास ले जाता है और फिर वो सब उसे समझाने लग जाते हैं कि उसे बड़े होकर इस कबीले का सरदार बनना है, इसीलिए उसे सी के बारे में सोचना छोड़ना होगा, क्योंकि हमारे नियम के अनुसार हम किनारे से आगे नहीं जा सकते। और अब मोहाना धीरे धीरे बड़ी होने लग जाती है, लेकिन उसका सी के लिए प्यार कम नहीं होता, इसीलिए उसके फादर टुई उसे एक दिन माउंटेन पर लेकर जाते हैं, जहां वो उसे उनके पूर्वजों का एक शिखर दिखाता है, जिस पर उनके सभी पूर्वजों ने अपने पत्थर रखे होते हैं। और वो कहता है कि एक दिन तुम्हारा भी वक्त आएगा जब तुम इस पर्वत पर पत्थर रखोगी। ये देखकर मोआना अपने सी में जाने के सपने को छोड़कर कबीले का सरदार बनने की जिम्मेदारी को निभाने लग जाती है, और अब टुई भी उसको कबीले की जिम्मेदारी देने लग जाता है और वो उन्हें बखूबी निभाने लग जाती है। लेकिन एक दिन उसे कोकोनट के काले होने का बताया जाता है, तो वो कहती है कि हम कीड़े वाले पेड़ों को काटकर नए पेड़ लगा देंगे। तभी वहाँ कबीले के मछली पकड़ने वाले आते हैं, जो टुई और मोआना को बताते हैं कि उन्हें किनारे से पहले कहीं पर भी फिश नहीं मिली। ये सुनकर सब परेशान होते हैं, तो मोआना उन्हें कहती है कि वो किनारे से आगे जाकर मछली पकड़ेंगे। ये सुनकर टुई को लगता है कि मोआना का अभी तक सी से प्यार खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए वो सबके सामने उस पर गुस्सा करने लग जाता है और वहाँ से चला जाता है। मोआना बहुत दुखी हो जाती है, जिस पर सीना उसे बताती है कि उसके डैड उसके साथ ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो भी जवानी में सी से बहुत प्यार करते थे, जिस पर वो एक रात अपने भाई के साथ किनारे से आगे चले गए और ऊंची ऊंची लहरों की वजह से उनकी बोट टूट गई थी, जिसमें उसका भाई सी में ही रह गया था। इसीलिए अब टुई नहीं चाहता कि उसकी बेटी के साथ भी ऐसा हो, इसीलिए वो तुम्हें रोकते रहते हैं। मोआना सीना के जाने के बाद सोच में पड़ी होती है कि वो दिल की सुने या दिमाग की। ये सोचने के दौरान वो पत्थर रखने माउंटेन पर भी जाती है, लेकिन तभी उसे बहुत ही खूबसूरत सी दिखाई देता है, तो खुद को सी की तरफ जाने से नहीं रोक पाती है और अपने पेड़ हे के साथ बोट पर बैठी किनारे से आगे निकल जाती है। लेकिन वो लहरों की वजह से लैंड पर वापस आ जाती है। तभी उसकी दादी ताला उसके पास आती है और वो उसे फैसला करने में मदद करने के लिए एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है, जहाँ वो गुफा का पत्थर हटाकर अंदर जाती है तो उसे वहाँ वाटरफॉल के पास बहुत सी नाव दिखाई देती है, जिसमें वो अपनी दादी के कहने पर नगाड़ा बजाती है तो बोट पर मशाल से रोशनी आती है और वहाँ मोआना को बोट पर तस्वीरें दिखाई देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि मोआना के पूर्वज जहाजी थे, जो समुद्र में जाकर सफर किया करते थे, और एक दिन वो इस आइलैंड पर आए और इसे ही अपना घर बना लिया। और ये जानकर मोआना बहुत खुश होती है कि वो जहाजी थे। मोआना फिर अपनी दादी से अपने पूर्वजों
के सफर को रोकने की वजह पूछती है तो ताला उसे बताती है कि मावी ने तेफीती का स्टोन चुरा लिया था, जिससे ओशन सफर के लिए महफूज नहीं रहा था और उनकी बोट्स गायब होने लग गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने किनारे से आगे किसी को भी जाने से मना कर दिया था। ताला उसे आइलैंड के साइड पर ले जाकर काली पड़ी हुई जमीन दिखाकर कहती है कि उनका आइलैंड भी तबाह होने वाला है, इसीलिए तुम्हें स्टोन लेकर मावी को ढूंढने जाना होगा। और ताला उसे स्टोन देकर बताती है कि ओशन ने उसे मावी को ढूंढने के लिए चुना है। साथ ही उसे तारों से बनी हुक दिखाकर बताती है कि हुक के एंड पर मावी मौजूद है। मोआना यह सब सुनकर अपने डेड के पास जाती है, जहां टुई कबीले के लोगों के मसलों का हल कर रहा होता है, और वहां मोआना उसे उनके जहाजी होने का बताती है और कहती है कि उन्हें ही मावी को ढूंढना होगा, जिस पर टुई गुस्से में नावों को जलाने जाता है तो मोआना उसे रोकती स्टोन दिखाती है तो उसे दूर फेंक देता है, जिसे मोआना उठाने जाती है तो वहाँ उसे उसकी दादी की स्टिंग मिलती है। मोआना और टुई को कबीले के लोग ताला की तबीयत खराब होने का बताते हैं, जिस पर वो दोनों फौरन ताला के पास जाते हैं, जहाँ ताला मोआना को समझाती है कि उसे सबको बचाना होगा और वो उसे स्टोन रखने के लिए अपना नेकलेस देती है। मोआना उनकी बात मानते हुए स्टोन नेकलेस में रख के सफर के लिए सामान जमा करने लग जाती है, जिसमें उसकी माँ भी उसकी मदद करती है। मोआना बोट में बैठी किनारे से आगे निकलती है तो ओशन भी उसकी मदद करता है। फिर मोआना को अपनी बोट में से किसी की आवाज आती है तो वो देखती है कि वो उसका पेट है होता है, जो बहुत ही बेवकूफ होता है। मोआना अपनी दादी के बताए हुए हुक की तरफ आगे बढ़ रही होती है, लेकिन ये उसके लिए मुश्किल होता है क्योंकि उसने पहले सी में सफर नहीं किया होता, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। लेकिन एक रात उसकी बोट उल्टी हो जाती है तो मोआना ओशन से मदद मांगती है, लेकिन इतने में वहाँ तूफान आ जाता है जिसमें मोआना और हे भी फंस जाते हैं। और सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो एक आइलैंड पर होते हैं, जहाँ मोआना नोटिस करती है कि वहाँ मावी के हुक बने हैं, तो उसे पता चल जाता है कि मावी वही है। तभी वो देखती है कि मावी उसकी तरफ आ रहा है तो अपनी लाइन्स तैयार करने लग जाती है, जो उसे ताला ने कहने को कहा था। फिर मावी उसके पास आता है तो वो उसे लाइन्स भी पूरी नहीं करने देता, बल्कि उसे गाना गाने में लगाकर उसे केव में बंद कर देता है और उसकी बोट और हे को लेकर सी में निकल जाता है, जिस पर मोआना गुस्से में जल्दी से केव से बाहर का रास्ता ढूंढती मावी के पास आती है। मावी उसे बोट से दूर करता जाता है तो ओशन खुद उसे मावी के पास लाता जाता है। और जब मोआना मावी को स्टोन दिखाकर उसे तेफीती तक ले जाने का कहती है तो मावी उस स्टोन से डर जाता है और उसे दूर फेंक देता है, तो ओशन उसे भी वापस लाकर देता है। मोआना समझ जाती है कि मावी स्टोन से डर रहा है क्योंकि वो उसकी वजह से अपनी हुक से हाथ धो बैठा था। इसका फायदा उठाते मोआना उसे तंग करने लग जाती है, लेकिन तभी उन पर एरो आकर गिरता है तो मावी मोआना को बताता है कि काका मोरा पायरेट्स आ रहे हैं, जो कि असल में कोकोनट क्रिएचर होते हैं, और वो तेफीती का हार्ट स्टोन लेना चाहते हैं, इसीलिए वो रस्सी फेंक कर उनकी बोट पर आने लगते हैं। मोआना के नेकलेस से स्टोन निकलकर बोट पर गिर जाता है तो हे उसे खा लेता है, जिस पर पायरेट उसे ही उठाकर अपनी बोट पर ले जाने लगते हैं। तो मोआना मावी को स्टोन लाने में मदद करने का कहती है तो उसकी मानने से इनकार करता बोट को दूसरी तरफ मोड़ने लग जाता है, जिस पर मोआना चप्पू लिए पायरेट्स की बोट पर जाती है और उनसे लड़ाई करने लग जाती है, और फिर वो हे को पकड़कर अपनी बोट पर जंप करती है तो हे के अंदर से स्टोन निकल जाता है। लेकिन उनकी बोट पायरेट्स की बोट के चपेट में आने वाली होती है कि मावी बोट को जल्दी से आगे निकाल देता है, जिससे उन पायरेट्स की शिप टूट जाती है। फिर मोआना मावी को तेफीती का हार्ट पहुँचाने में उसके साथ चलने का कहती है, लेकिन मावी मना कर देता है और कहता है कि उसे सिर्फ अपना जादुई हुक हासिल करना है। फिर मोआना कहती है कि वो अब इंसानों के लिए हीरो नहीं रहा, जिस पर मावी बहुत हैरान हो जाता है और मोआना उसे दोबारा हीरो बनने के ऑफर पर राजी करती है कि उसके साथ तेफीती का हार्ट वापस पहुंचाएगा। लेकिन मावी कहता है कि उसके लिए उसे पहले अपनी हुक लेनी होगी, जिसके लिए उन्हें पहले तामातुआ के पास जाना होगा। और उसकी तरफ जाते हुए रास्ते में ओशन और मोआना साथ मिलकर मावी को गिरा देते हैं, ताकि वो मोआना को बोट चलाना सिखा सके। मोआना सब कुछ सीख रही होती है, लेकिन रात होने पर वो सो जाती है तो वो सपने में अपने आइलैंड को देखती है, जहाँ उसके माता पिता डार्कनेस की चपेट में आ रहे होते हैं, और वो एकदम से उठ जाती है तो मावी उसे बताता है कि हम तामातुआ के इलाके में पहुँच गए हैं। और वो पहाड़ पर जाकर जिक्र करता है कि तामातुआ के पास हुक होगी, क्योंकि वो खजाने को जमा करता रहता है। साथ ही वो बताता है कि पहाड़ के ऊपर से लालोटाई जाने का रास्ता है, जिसके अंदर राक्षस राज्य है। और फिर मावी मोआना को कमजोर कहकर यहीं रुकने का कहता है,
तो वो हिम्मत करके उसके साथ पहाड़ पर चढ़ने लग जाती है और वो दोनों पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहां से वो एंटी गेट में जंप करते हैं। मोआना मावी के बाद जंप लगाती है जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं और मोआना पर मोस्टर्स अटैक करने लग जाते हैं, जिनसे बचते हुए वो तामातुआ के खजाने के पास पहुंचती है। तभी मावी भी वहां आ जाता है, जो प्लेन सोचकर मोआना को तामातुआ को डिस्ट्रे करने के लिए भेज देता है। तभी वहां खजाने के नीचे से तामातुआ निकलता है, जो कि एक बहुत बड़ा क्रेब होता है जिसके ऊपर खजाना पड़ा होता है। मोआना उसकी तारीफ करते उसे डिस्ट्रे करने लग जाती है, तो मावी मौका देखकर हुक पकड़ लेता है, लेकिन वो अपनी शेप शिफ्टिंग पर काबू नहीं कर पाता, जिससे तामातुआ उसे देख लेता है और मोआना को नीचे फेंक कर मावी से लड़ने लग जाता है, जिससे मावी जीत नहीं पाता और तामातुआ उसे पकड़कर मारने लग जाता है। ये देखकर मोआना बहुत दुखी होती है और वो खुद अपने दिमाग का यूज करके तामातुआ को हार्ड स्टोन दिखाती है, तो तामातुआ मावी को छोड़कर उसे लेने जाता है, तो मोआना के गिरने की वजह से वो स्टोन खड्डे में गिर जाता है, जिसे तामातुआ निकालने लग जाता है और मोआना मावी और हुक को लेकर वहाँ से निकल जाती है। उनके पीछे से तामातुआ को पता चलता है कि वो स्टोन नहीं बल्कि एक पत्थर था, जिसे मोआना ने कलर करके उसे धोखा दिया है। मावी भी ये जानकर मोआना से बहुत इम्प्रेस होता है और वो दोनों तेफिती के आइलैंड की तरफ निकल जाते हैं। सफर के दौरान मावी अपनी हुक इस्तेमाल न कर पाने के कारण बहुत उदास हो जाता है, तो मोआना उससे उसके टैटूज के बारे में पूछती है, जिस पर पहले तो वो कुछ भी नहीं बताता, लेकिन फिर वो उसकी ये बातें सुनकर कि वो दोनों यहाँ अकेले है, तो फिर मावी उसे बता देता है कि वो एक आम इंसान था जो इंसानों के घर पैदा हुआ था, लेकिन उसके पेरेंट्स को वो पसंद नहीं आया था, इसलिए उन्होंने उसे सी में फेंक दिया था और फिर वो ना जाने कैसे गॉड्स को मिल गया था, जिन्होंने उसे दिव्य हुक दिया जिससे उसे पावर्स मिली थी, और फिर वो वापस इंसानों के पास चला गया जहाँ उसने इंसानों के लिए सब किया और उसने ही लैंड्स निकाले थे, पेड़ पौधे बनाए थे और उनके लिए ही वो स्टोन लेने गया था ताकि वो और ताकतवर हो सके, लेकिन आखिर में लोगों ने ही उसे विलन बना दिया। ये सुनकर मोआना उसे समझाती है कि उसे खुद पर यकीन करना होगा और फिर वो गॉड से अपनी गलती की माफी मांगता है और अपने अच्छे होने का सबूत देता है, जिससे अब वो हुक पर अपना काबू पा लेता है और अलग अलग जानवरों में चेंज होकर मोआना के साथ मस्ती करने लग जाता है। अपनी हिम्मत वापस मिलने पर वो टेका से लड़कर स्टोन वापस रखने पर तैयार हो जाता है और वो दोनों तेफिती के आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं और अब वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मावी मोआना को सिखाकर उसे एक अच्छा नाविक बना देता है और चलते ही चलते वो टेका के आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, तो मावी उससे लड़ने के लिए ईगल में चेंज होता उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, लेकिन वो टेका के वार से पानी में गिर जाता है। ये देखकर मोआना उसकी मदद करने जाने लगती है, तो मावी पानी से निकलकर बोट पर आता उसे रोकने लग जाता है, जिस पर टेका उस पर हमला करता है, जिसे बचाने के लिए मावी अपनी हुक आगे करके उसे रोकता है, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और उनकी नाव दूर चली जाती है। वो दोनों संभलते हैं तो मोआना मावी को बहुत ही उदास देखती है। वो उसके पास जाती है, जिस पर वो दिखाता है कि उसकी हुक क्रेक हो गई है और वो मोआना पर बहुत गुस्सा करने लगता है और उसे तेफिती का दिल लौटाते हुए कहता है कि हम तेफिती का दिल लौटाने नहीं जा सकते। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। मोआना रोते हुए ओशन को स्टोन वापस दे देती है ताकि वो किसी और को इस काम के लिए चुन सके। ओशन हार्ड स्टोन को नीचे ले जाता है। मोआना अब हिम्मत हार चुकी होती है और अब वो बहुत रोती है, तो उसके पास ताला की रूह आती है जो उसे अपने दिल को फॉलो करके डिसीजन लेने का कहती है। तो फिर मोआना ओशन में जंप करती स्टोन निकाल लाती है और प्लान बताती है कि टेका आग और जमीन का गॉड होने की वजह से पानी में नहीं आ सकता, इसीलिए वो टेका से बचकर तेफिती तक जाने का प्लान बनाती है और फिर वो टेका का ध्यान भटकाकर उसके लैंड के बीच से रास्ता ढूंढती आगे बढ़ जाती है। लेकिन जब वो तेफिती के लैंड की तरफ बढ़ने लगती है तो टेका के वार से उसकी बोट उल्टी हो जाती है, जिसे वो सीधा करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी टेका उस पर फिर से अटैक करने लग जाता है। मगर तभी वहाँ मावी आ जाता है और वो मोआना को बचा लेता है। मावी बोट सीधी करके मोआना को तेफिती का हार्ट वापस रखने का कहता है और खुद टेका से लड़ने लग जाता है, और लड़ाई के दौरान टेका उसे दूर रोक पर फेंक देता है, तो उसकी नजर मोआना पर पड़ती है, जिस पर वो उसकी तरफ फायर बॉल फेंक देता है, जिससे उसे ओशन बचा लेता है। टेका मोआना को मारने के लिए उस पर एक और फायर बॉल मारने लगता है, जिससे मावी उसे बचा लेता है, लेकिन उसकी हुक टूट जाती है और मोआना तेफिती के करीब पहुंच जाती है, लेकिन वो देखती है कि तेफिती वहां नहीं है
और उसे लगता है कि तैफीदी अब नहीं रही। लेकिन जब उसकी नज़र टेगा के सीने पर जाती है तो उसे स्टोन पर बना निशान उसे उसके सीने पर दिखाई देता है, जिससे वो समझ जाती है कि टेगा ही असली में तैफीदी है, जो अपना हार्ट ना होने की वजह से ऐसी बन गई थी। और मोआना आइलैंड से उतरकर ओशन को रास्ता बनाकर तैफीदी को अपने पास लाने का कहती है। और जब ओशन ऐसा करता है तो तैफीदी उसके पास आने लग जाती है। और जब तैफीदी मोआना के सामने आ जाती है तो मोआना उसे तसल्ली देकर उसे शांत करती है और उसका हार्ट वापस लगा देती है, जिस पर टेगा तैफीदी में बदल जाती है और हर जगह हरियाली छाने लग जाती है। और ओशियन मावी को भी वहाँ ले आता है और तैफीदी भी मावी के माफी मांगने पर उसे माफ कर देती है और उसे नया हुक बनाकर दे देती है और मोआना के वापस जाने के लिए बोट बनाकर देती है। और फिर तैफीदी वापस से सो जाती है। मावी मोआना की बोट को तैयार कराता है और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं और मावी ईगल बनकर वहाँ से चला जाता है और मोआना अपने लैंड की तरफ निकल जाती है। तभी हमें मोतुनी आइलैंड को दिखाया जाता है, जहाँ अब सब कुछ ठीक हो चुका होता है और अब मोआना भी वहाँ पहुँच जाती है। सब लोग उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। फिर सब साथ मिलकर अपने पूर्वजों की बोट निकालते हैं और समुद्र में सफर करने के लिए निकलते हैं। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।